नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए अप्लाइड फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, उसकी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं जो आपको बताऊँगा मात्रक और विमाएँ क्या क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला और विमा कैसे निकालते हैं, इन सब के बारे में बात की जाएगी। तो अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो ये चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपका जो है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमाएं, तो आपको सबसे पहले इसमें जानना ज़रूरी है आपकी मूल राशियाँ। फिजिक्स में जो मूल राशियाँ होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो आपकी जो मूल राशियाँ जो होती है, सात मूल राशियाँ होती हैं जो सभी को पता होती हैं, लेकिन इनके मूल मात्रक सभी को पता नहीं होते। और इनके मात्रकों का प्रतीक और इनके विमीय प्रतीक, इन सब पे हमें आज स्टडी करनी है। तो दोस्तों, आपका जो पहली मूल राशि है लंबाई, लंबाई यानी लेंथ, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये आपकी सात मूल राशियां हैं। और इन सभी के जो मूल मात्रक हैं, ये जो मूल मात्रक हैं इंटरनेशनल नेम पर होते हैं, इन्हें इंडिया में नहीं पूरे इंटरनेशनल में ही इन्हीं नामों से पुकारा जाता है। तो लंबाई का जो मूल मात्रक है मीटर होता है, और द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है किलोग्राम होता है, समय का जो मूल मात्रक होता है सेकंड होता है, और विद्युत धारा का मूल मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, और ताप का जो मूल मात्रक होता है केल्विन या डिग्री सेल्सियस होता है, और ज्योति तीव्रता का जो मूल मात्रक होता है कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक जो होता है मोल होता है। और इनके जो है प्रतीक क्या क्या होते हैं, लंबाई का जो प्रतीक होता है, लंबाई को जिस प्रतीक से शो किया जाता है, लंबाई को स्मॉल एम से शो किया जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम से ही हर जगह आपने देखा होगा, कोई मास होगा उसे आप किलोग्राम या ग्राम में शो करते हैं, समय को सेकंड एस से शो किया जाता है, और विद्युत धारा को ए से यानी एम्पियर, और ताप यानी टेम्परेचर को केल्विन या डिग्री सेल्सियस से प्रेजेंट किया जाता है। ज्योति तीव्रता, इसका जो मात्रक होता है कैंडेला, तो इसे इसका जो मात्रक का जो प्रतीक होता है सीडी यानी कैंडेला से प्रदर्शित किया जाता है, और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ को जो मापा जाता है मोल में मापा जाता है, इसलिए इसका जो प्रतीक होता है मोल होता है। और इनके जो विमीय प्रतीक हैं, लास्ट वाला जो आपका कॉलम है इसमें आपको विमीय प्रतीक दिए गए हैं, ये विमीय प्रतीक वहाँ पर यूज होंगे जहाँ पर आपको विमा निकालने के लिए कहेगा कि इसकी मात्रक मूल राशि की विमा बताइए। तो आपको विमा के लिए जो प्रतीक याद रखने हैं, लंबाई का जो विमीय प्रतीक होता है एल होता है लेंथ, और मास का जो विमीय प्रतीक होता है एम होता है, और टाइम यानी समय का जो विमीय प्रतीक होता है टी होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का जो विमीय प्रतीक होता है ए एम्पियर होता है, और ताप का जो विमीय प्रतीक होता है थीटा होता है, ज्योति तीव्रता का आई, और पदार्थ की मात्रा का स्मॉल एन। ये जो प्रतीक हैं विमीय प्रतीक, ये सिर्फ विमा में यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो सात मूल राशियां थी, और अगला जो आपका है विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसकी जो डेफिनेशन है आपकी, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो आपको जो बताया जा रहा है, किसी भौतिक राशि, कोई आपको भौतिक राशि दी गई है उसका जो विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि उस भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशियां किस प्रकार शामिल हैं। तो दोस्तों, कोई आपको भौतिक राशि दी गई है उसका आपको विमीय सूत्र फाइंड करना है, तो आप जो है उसकी मूल राशियाँ क्या क्या हैं उससे आप विमीय सूत्र फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई मूल राशि दी गई है 5 किलोग्राम, इसका जो आपका मान लीजिए विमीय सूत्र लिखना है कि किलोग्राम का विमीय सूत्र लिखिए, तो किलोग्राम को जो है आप
द्रव्यमान कहेंगे। और द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र जो है किससे प्रदर्शित किया जाता है, एम से, तो एम से प्रदर्शित किया जाएगा। तो आपको जो कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विमीय सूत्र हैं जिनकी आपको विमाएँ निकालने के लिए पूछी जा सकती हैं 1 से 2 नंबर में एग्ज़ाम में, तो कुछ मैं इम्पोर्टेंट जो हैं आपको बता देता हूँ। और आप अपनी बुक या आपको जो क्लास में स्टडी कराई जाएगी उससे भी आप थोड़ा और इम्पोर्टेंट सीख सकते हैं। तो आइए चलिए विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं वो बताया जाता है। तो घनत्व यानी डेंसिटी, डेंसिटी का विमीय सूत्र आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको इसके लिए फॉर्मूले जो होते हैं फिजिक्स के उनको याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो विमीय सूत्र आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो घनत्व यानी डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता होगा, द्रव्यमान अपॉन आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। मास द्रव्यमान जो होता है एम से प्रदर्शित किया जाता है विमीय प्रतीक में, और आयतन, आयतन जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये तीनों जो हैं लेंथ हैं, क्योंकि ये तीनों नापी जाएंगी तो ये लेंथ हैं, तो इन्हें एल से प्रदर्शित किया जाएगा विमीय सूत्र में। तो एम अपॉन एल थ्री, और आप कुछ ये दिख रहा होगा, ये साइड में ब्रैकेट दिख रहा होगा, ये ब्रैकेट जो है ओनली फॉर विमीय सूत्र के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जहाँ आपको आपको विमा निकालने के लिए कहेगा आपको वहाँ पर ये ब्रैकेट जरूर लगाना है। अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाया विमा निकालते समय तो आपके जो नंबर हैं कट सकते हैं, एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको विमा निकालने के ऊपर। तो इसकी जो विमा होगी एम अपॉन एल थ्री है, तो एल थ्री जो है ऊपर जाएगा, तो एम एल माइनस थ्री। और टी ज़ीरो इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है MLT, यानी MLT इसे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे सकता है। अगर आपका L-3 भी आती है कोई विमा तो आप M0, L-3, T0 भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं घनत्व डेंसिटी की बात कर रहे हैं, डेंसिटी की जो विमा आएगी आपकी ML-3 T0। और अगला जो है आपका फोर्स, बल, बल का फॉर्मूला सभी को याद होगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का जो आपका होता है m, त्वरण का जो आपका विमीय सूत्र होता है M0 LT-2। आप निकाल सकते हैं त्वरण का फॉर्मूले से। तो बल का जो विमीय सूत्र होगा MLT-2 होगा। कार्य का भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। तो बल का जो आपका विमीय सूत्र है MLT-2 है, और विस्थापन ये दूरी होती है विस्थापन, तो इसके लिए L आएगा, तो इसका जो हो जाएगा आपका विमीय सूत्र ML2T-2। और अगला जो है आपका संवेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान का जो विमीय प्रतीक होता है M, और वेग वेग का जो होता है LT-1। तो इसकी जो विमा होगी MLT-1 होगी। ये ब्रैकेट लगाना आपको 100% आवश्यक है। और आवेग, आवेग बराबर बल गुणा समय, तो बल की जो विमा होती है MLT-2 होती है, और समय की जो होती है T, तो MLT-1। और बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर बल गुणा दूरी, और बल आघूर्ण बराबर बल गुणा दूरी। बल की जो विमा होती है MLT-2, और दूरी की है, तो इसकी जो बल आघूर्ण की जो विमा हो जाएगी ML2T-2 हो जाएगी। दाब यानी प्रेशर, प्रेशर का जो सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल की जो आपकी विमा होती है ML2 होती है, और बल आघूर्ण की ML2T-2 होती है। दोनों में यही अंतर है। बल दाब का जो विमीय सूत्र होगा आपका ML-1T-2। और प्रतिबल, स्ट्रेस, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। स्ट्रेस का जो आपको प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं स्ट्रेस को, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो। लेकिन यहाँ पे आपको प्रतिबल ही कहा जाएगा। प्रतिबल का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, तो प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल की जो विमा होती है ML-1T-2, बल की, और क्षेत्रफल बल की जो होती है ML-2, और क्षेत्रफल की जो होती है L2। तो इसका जो आपका प्रतिबल का जो विमीय सूत्र हो जाएगा ML-1T-2 हो जाएगा। और विकृति, स्ट्रेस अपॉन
स्ट्रेन की जो आपकी विमा जो हो जाएगी, लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई। स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल होता है, तो लंबाई में जो वृद्धि होगी उसे भी आप एल से प्रदर्शित करेंगे और प्रारंभिक लंबाई जो होगी उसे भी आप विमीय सूत्र में एल से प्रदर्शित कर देंगे, तो एल से एल कट जाएगा। इसलिए विकृति की कोई विमा नहीं होती, विकृति जो होती है विमाहीन राशि होती है। प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक का जो फॉर्मूला होता है प्रतिबल अपॉन विकृति। तो इससे आप जो है इसका अगर विमीय सूत्र निकालेंगे तो आपका प्रत्यास्थता गुणांक का जो आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू होगा, प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र। दृढ़ता गुणांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू होगा इसका। और शक्ति का विमीय सूत्र जो होगा कार्य बटे समय, तो कार्य जो होता है एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी, तो इसका जो विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री। और आपका आवृत्ति जो होता है फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टी, तो वन अपॉन टी जो हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। तो दोस्तों ये जो आपके हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट विमीय सूत्र हैं जिन्हें आप पढ़ लीजिएगा। ये अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप किसी भी राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो दोस्तों आपको जो आज इस वीडियो में सीखने को जो मिला, विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, मूल राशियां क्या क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या क्या होते हैं, इनके प्रतीक क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों आपका जो चैप्टर था मात्रक एवं विमाएँ, इसमें जो आपका कुछ पार्ट जो आज कवर हो गया, अगली जो वीडियो आएगी हमारी उसमें मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, इस पर कौन कौन से सवाल आ सकते हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और